सो गाइज, एंड्रॉयड क्यू का डेवलपर प्रीव्यू 4 यहाँ पे आ चुका है और मैंने अपने शॉमी मी एवन में इसे इंस्टॉल किया है। तो चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पे अबाउट फोन में मी एवन देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे गाइज एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको जून 5 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो लेटेस्ट 1 है। तो गाइज ये डेवलपर प्रीव्यू इरफान सर ने पोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो एंड्रॉयड 10 डेवलपर प्रीव्यू में 4 में क्या क्या मी ऑन में देखने को मिलता है, उसके साथ ये मी ऑन में इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, और कौन कौन से बग्स है और कौन कौन से फीचर्स हैं। तो गाइज वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज मी ऑन यूजर्स 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, जरूर कंप्लीट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर भी प्रेस करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो जो बैटरी का आइकन है ये आपको अपडेटेड न्यू देखने को मिलता है। उसके साथ गाइज यहाँ पे जो वाईफाई का आइकन है ये भी आपको अपडेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइज यहाँ पे जो हमारे एंड्रॉयड क्यू के जो गेस्चर्स है उनका भी एनिमेशन यहाँ पे चेंज हो चुका है और गाइज ये काफी एक्यूरेट और अच्छे से यहाँ पे जो एंड्रॉयड क्यू के गेस्चर्स है काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जस्ट स्लाइडिंग किया और इनके एनिमेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया दिखते हैं और यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसके साथ गाइज यहाँ पे हम चलते हैं डिस्प्ले में और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में और वन क्लिक में यहाँ पे डार्क थीम अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। और ये जो डार्क थीम आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ, तो ये जो हमारा गूगल सर्च विज है वो जब डार्क थीम अप्लाई नहीं होता है तो वाइट में रहता है और जब आप गाइस जिसे यहाँ से डार्क थीम अप्लाई करते हो तो ये गूगल विज पर भी अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि गूगल सर्च विज ब्लैक हो चुका है पर मुझे यहाँ पे वाइट पेपर भी चेंज करना पड़ा। एंड्रॉयड क्यू डेवलपर प्रीव्यू में सेटिंग्स में और एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्स एंड नोटिफिकेशन में, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में न्यू यहाँ पे डिजाइनर्ड लुक देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं सजेस्टेड एक्शंस एंड रिप्लाइज और कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पे जो रोटेशन का जो आइकन है वो फिर से एक बार यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि मी ऑन में ये एंड्रॉयड डेवलपर प्रीव्यू क्यू आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे गाइज मेरा आंसर है कि आपको डेवलपर प्रीव्यू 4 इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गाइज बहुत सारे बग्स है। पहला बग्स गाइज कि यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं चलता है, ब्लूटूथ यहाँ पे 4 स्टॉप आ जाता है। उसके साथ गाइज बहुत बार यहाँ पे सिस्टम यूआई क्रैश हो जाता है और आपका पूरा फोन यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, हैंग हो जाता है। उसके साथ गाइज यहाँ पे ओएलटी भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ओएल जो का सिग्नल तो आ रहा है, कॉल्स भी रिसीव हो रहे पर आप कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे ओएलटी नहीं चल रहा है। उसके साथ यहाँ पे गाइज फिंगरप्रिंट भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी गाइज यहाँ पे नहीं चल रहा है और जब फोन लॉक करते हो तो बहुत ही हैंग हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा अनस्टेबल है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो मैं इसके लिए सेपरेट इंस्टॉलेशन का वीडियो लेके आऊंगा। तो गाइज वीडियो कैसे लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।